फाइनली मैं आ चुका हूँ लोकेशन पे, और आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आपने थंबनेल देख ही लिया है। तो आज बारिश जो प्लान किया था, प्लान सारा चौपट हो गया, जो बारिश ने सारा प्लान ख़राब कर दिया। जो जो सोचा था कि क्या क्या शूट करना है, इसके अलावा एक शूट और था कैमरा का, लेकिन कैमरा रिव्यू हो नहीं पाया, लेकिन वो भी बहुत जल्द दिखाऊंगा मैं आपको। बाकी अभी उनका इंतज़ार कर रहा हूँ मैं सर का, कि जब तक आएंगे शुरू करते हैं। एक खाली मैदान ढूंढ लिया है, वहीं पर आपको रिव्यू दिखाता हूँ। आपका नाम जान सकता हूँ मैं सर? शमीम अहमद। और ये जो इस कंपनी से आई है, शोरूम से आई है, वो शोरूम का एड्रेस क्या है? भवानी, भवानी ऑटो वर्क्स। और ये कहाँ पड़ता है सर? ये मेन जगतपुरे कर्कडुमा के पास। कर्कडुमा के पास। तो बाकी अभी स्कूटी आ चुकी है और बहुत ही बढ़िया लग रही है मुझे तो देखकर, और बहुत अच्छा लग रहा है। इसका जो लुक है एकदम स्पोर्टी लुक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ ढंग से। ये है एप्रिलिया SR 160, दैट इज 160 मॉडल ऑन एप्रिलिया SR 160। ये वाइट कलर में ऑन DS6 FI इंजन के साथ, फ्यूल इंजेक्टर के साथ है। ये फ्यूल इंजेक्टर के साथ है जी। जो पहले सर गाड़ी आते थे वो कार्बोरेटर इंजन में आता था, अब जो है गवर्नमेंट के नाम से चेंज हो गया सारा। अब जितने भी स्कूटर आ रहे हैं सारे FI इंजन में आ रहे हैं, फ्यूल इंजेक्टर। और ये 160 cc में, प्लस इसमें 6.5 लीटर का फ्यूल टैंक है, आप देख सकते हैं। फ्यूल टैंक में दिखाता हूँ आपको, 6.5 लीटर का फ्यूल टैंक है, और इसमें आपको USB चार्जिंग सिस्टम मिल जाता है। USB चार्जिंग सिस्टम मिल जाएगा हमें। यस, तो इसमें हम फ़ोन चार्ज फोन चार्ज कर, या यू कैन इजीली कनेक्ट योर ऑन योर फोन। और पहले तो सर गाड़ियों में आता था चोक सिस्टम आता था। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अब जो भी FI इंजन है, FI इंजन में चोक सिस्टम खत्म कर दिया, ठीक है, यानी वन सेल्फ में स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी। ओके। जैसे विंटर में क्या होता है, गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं होती है, बैटरी इशू आता करते हैं, अब कोई इशू नहीं आएगा। और इसमें डिजिटल मीटर है, और इसमें आपका ये फ्यूल टैंक का मीटर आ जाता है, हाँ जी, ट्रिप सिस्टम आ जाता है बाकी किलोमीटर का, और 140 का इसका टॉप स्पीड का वो है, बाकी 135 स्पीड चली जाती है टॉप स्पीड 135 चली जाती है। और सबसे बढ़िया चीज़ कि मुझे पायलट लैंप बहुत अच्छे लगे साइड वाले, और इसकी हेड लैंप भी, पहले 150 में मुझे लगता है कि शायद दो हेड लैंप आती थी साइड में डिवाइड करके, लेकिन अभी सिंगल ही दे रखे है ना, उससे बैटरी सेविंग होती है। एग्जैक्टली। और सर इसमें 14 इंच का एलॉय है, इसका व्हील देखिए आप जी सर, 14 इंच का व्हील है, प्लस ये डिस्क और प्लस ABS है, ये ABS है सर, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ, किसी भी स्कूटर में ये सिस्टम नहीं आता सर। ओके। तो सर स्कूटी तो बहुत अच्छी है। दूसरी चीज सर, ये स्कूटी ऐसी है कि सर ये किसी के साथ भी कॉम्पैक्ट नहीं करती है, मतलब ये स्कूटी एज अ बाइक राइडर कुछ भी होता है तो आप बाइक का पूरा फील है इसमें। श्योर सर। तो इसके अंदर अभी इंडिकेटर सर एक बार जला के दिखाना सर, इसमें वो सिस्टम है अपना एक जिसमें चारों इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं? नहीं, वो सिस्टम नहीं सर, उसके लिए फ्लैशर आता है अलग। ओके। वो फ्लैशर इंडिकेट करता है, ठीक है, मॉडिफाई कराते हैं सर उसको। एक भी हेडलाइट दिखाना सर ऑन करके, तो हेडलाइट भी उसकी रोशनी भी बहुत अच्छी है। और मैं बाकी आपको कीज़ वगैरह की क्वालिटी दिखा, बटन की क्वालिटी भी अच्छी है, ये डिपर का बटन दे रखा है, और इंडिकेटर का भी है, हॉर्न का भी है, और अपना ये सेल्फ। और आपको मैं इसकी आवाज सुना देता हूँ इंजन की, तो इंजन वाइज भी बहुत अच्छी है। और एक चीज़ सर मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका इंजन इतना स्मूथ है, और मुझे ज़रा भी ऐसा नहीं लगा कि इसने थोड़ा सा भी जर्क लिया हो इंजन स्टार्ट होने में। और सर सबसे बड़ी चीज़, इसके अलॉय व्हील इतने अच्छे लगे मेरे को, बहुत ही बढ़िया। 14 इंचेस के अलॉय इसके सर जी, सर 14 इंचेस के अलॉय है इसमें, 14 इंच का अलॉय आपको किसी भी स्कूटर में नहीं मिलेगा।
अभी हम इसकी टेस्ट राइड लेके देखते हैं कि कितने चलने में, जितना अच्छे लुक्स हैं उतना ही अच्छा चलने में परफॉर्मेंस कैसी है ये देखना है अब। स्कूटी चला के मुझे बहुत ही अच्छी फील आई, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं स्कूटी चला रहा हूँ। और इसके पावर जो इसका मतलब पावर जो है इतना अच्छा है, किसी भी स्कूटी का इतना अच्छा पावर नहीं है, और वैसे भी 160 है तो अच्छा खासा ही पावर होगा। और दूसरी चीज़ इसके अंदर जो लुक आती है, जो बाइक लुक है इसकी, वही सबसे अच्छी इसकी क्वालिटी है, इसको एक तरीके से एक अलग हटके दिखाती है सेगमेंट में। और इसके टायर की वजह से इसमें धसकियाँ ज़्यादा नहीं लगती हैं, जैसे कि लोग जो है छोटे बाकी स्कूटीज़ हैं जो मार्केट में हैं, लेकिन उनमें क्या होता है छोटे टायर होने की वजह से उनमें फिर भी धसकियाँ लगती हैं, हमें झटके लगते हैं रोड पे चलते हुए, लेकिन इसमें मुझे ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत ही अच्छे से टॉर्क है, बहुत अच्छा टॉर्क है इसका, बहुत ही बढ़िया एकदम स्पीड पकड़ती है। और इसके अंदर मुझे बस ये फ्यूल टैंक की है जो चीज़ है, चूँकि फ्यूल टैंक सर अभी तक अप्रीलिया ने बाहर नहीं दिया, लेकिन उसके लिए भी फ्यूल टैंक एफआई इंजन आ गया जब से। हाँ जी, हाँ जी, फ्यूल मतलब एवरेज भी अच्छा हो गया जी, जी जी। लेकिन फ्यूल टैंक आदमी इग्नोर कर सकता है हर बंदा, क्योंकि इसकी जो स्पीड है, इसका जो टॉर्क है, और इसकी जो डिज़ाइन है मॉडल की, इसका फ्यूल टैंक बाहर अगर हम कंपनी सोचे भी लगाने की तो हो सकता है इसके मॉडल में भी कुछ फ़र्क आएगा, डिज़ाइन भी चेंज हो सकता है, लेकिन इसका जो मॉडल है वही इसकी अच्छी लुक को दर्शाता है। कितना अच्छा लुक है और हर चीज़ तरीके से इसमें, मतलब मुझे नहीं लगता कि इस अप्रीलिया को चलाने के बाद किसी और को कोई और शिकायत होगी। अप्रीलिया किसी भी सेगमेंट में किसी के साथ भी कॉम्पीट नहीं कर सकती है, इसका कंपेरिजन किसी के साथ है ही नहीं, ये एक अलग ही सेगमेंट है अपना। सर इसका जो सर्विस है वो सेंट्रलाइज सर्विस है। ओके ओके। हाँ, लाइक बाहर से लोग कराते हैं ना, बाहर से नहीं उतरता। तो सबसे बड़ी मेन थिंग सर आप ये बता रहे थे मुझे, सो गाड़ी ये बॉडी सर ये ABS फाइबर बॉडी है, और बॉडी भी मुझे बहुत अच्छी लगी इसके अंदर, बॉडी भी बहुत अच्छी है इसकी। जी जी, दैट इज ABS फाइबर बॉडी, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसके फाइबर की। और सर जो इसका सर्विस है ये पूरा सेंट्रलाइज सर्विस है। ओके ओके। लाइक जो यहाँ से पूरा खुलता है। जी जी जी। हाँ। मतलब अगर किसी को भी प्रॉब्लम आती है स्कूटी के अंदर तो वो सीधा वर्कशॉप पे जाएगा। यस यस। और हमें कहीं भी कुछ भी खोलने की जरूरत नहीं है, नहीं, नहीं। कंपनी ये निकालेगी। इसमें पूरा पैक है सर,
ये देखिए सारा चीजें पैक है, बस यहाँ से सर्विस होता है। तो कंपनी सिर्फ ये बॉडी निकालेगी और कंप्यूटर के साथ मतलब जो उनका सिस्टम होता है वो देखेगी कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी चीज मुझे ये अच्छी लगी कि कंपनी में अगर आप जाते हो तो कोई भी टूटने फूटने की जरूरत, मतलब बॉडी कहीं से भी नहीं टूट सकती है, क्योंकि अगर एक ही चीज़ खुलेगी उसी में सब कुछ पता रहेगा कि आपके स्कूटी में कहाँ प्रॉब्लम है कहाँ प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये भी लगी और सबसे अच्छी बॉडी क्वालिटी इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी। वाइब्रेशंस कहीं से भी इसके अंदर मुझे नज़र नहीं आई सर, कहीं से भी वाइब्रेशन नहीं लगी। और इसका इंजन इतना स्मूथ है कि आपको पता भी नहीं चलेगा अगर ये स्टार्ट है, अगर आप रोड पे चला रहे हो तो पता भी नहीं चलेगा कि ऑन है। और इतना स्मूथ इंजन है, थोड़ा सा रेस देते ही आपको पूरा फील आता है कि जैसे पता नहीं कितना इसने स्पीड पकड़ी हो, और बहुत अच्छी स्पीड है। मुझे तो लगता है कि ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आप लोगों को एक बाइक का फील लेना है। और सर इसका प्राइस मुझे आप बताएंगे सर कैसा है, क्या सर, कितना है सर इसका प्राइस? ऑन रोड प्राइस है इसका 1,23,600। 1,23,600। बाकी कुछ लोग ये कहेंगे कि हमारे बजट में नहीं है या क्या नहीं है, लेकिन भाई बजट अगर आपका है तो मुझे तो लगता है कि अगर सबसे अच्छी स्कूटी तो मुझे यही लगी। 160 सीसी। हाँ यस, सबसे सही बात है। इसके अंदर इतना अच्छा पावर 160 की वजह से भी है। पहले मॉडल आया था 150, उसके बाद सीधा 160 निकाला इन्होंने। तो बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है। और बाकी तो मैं इसके बारे में कोई शिकायत तो है नहीं मुझे, बस बाकी एक फुल साइज हेलमेट सर इसके अंदर आ सकता है क्या डिग्गी में इसकी? सर फुल साइज हेलमेट नहीं आता, हाफ साइज आएगा। हाफ साइज हेलमेट आएगा तो चलो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आज बंदा उस दो चीज़ों को तो कुछ चीज़ों को इग्नोर कर सकता है। इसको आप एक बार टेस्ट ड्राइव लो, अगर आप भी कोई जो मेरा व्लॉग देख रहे हो एक बार टेस्ट ड्राइव लो, जो भी आपको ऐसा लगता है कि स्कूटी मतलब जिन जिन के मन में बहुत से शक होते हैं स्कूटी को लेकर बाइक को लेकर, तो बात आप ये सर भवानी ऑटोमोबाइल्स मेन जगतपुरी कर्कडुमा रेड लाइट के पास आपको ये पड़ता है शोरूम, वहाँ पे जाके आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हो। और आपको जो भी शिकायत है मुझे लगता है कि दूर हो जाएगी जब आप इसको एक बार चलाओगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसके आगे मैं कुछ आगे बोल पाऊँगा इसकी तारीफ में, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। और ये स्कूटी लेने का प्लान भी मेरा था सर, इसलिए मैंने फिर सोचा कि एक बार टेस्ट राइड ली जाए। जी सर, तो थैंक यू सर आपसे मिलके मुझे अच्छा लगा। तो बाकी आप लोग का व्लॉग अच्छा लगा तो आगे से आगे शेयर करो, और बहुत मन से ये व्लॉग बनाया मैंने, वरना आज तो पूरा दिन ख़राब हो गया था। और सर भी बहुत दूर से आए हैं, तो सर को भी सर एक बार वीडियो में आ जाइए और बोल दो कि सर लाइक सब्सक्राइब कर दो, भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सर अब इन्होंने भी बोल दिया है, प्लीज़ कर देना, और बहुत मेहनत लगती है ये काम करने में भी। तो बाकी टाटा बाय बाय, बाद में बात करते हैं, नए व्लॉग के साथ मिलते हैं, ठीक है, चलो बाय।